नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप सोलर एनर्जी या सौर एनर्जी या उसका ऊर्जा का कैसे सरकार की तरफ से बेनिफिट ले सकते हैं। ये कोरोना का काल चल रहा है, इसमें बहुत सारी फर्जी कंपनियां हमारे किसान भाइयों को किसी व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू या कोई वेबसाइट या किसी और के थ्रू अप्रोच करती हैं और उनको बताती हैं कि हम सब्सिडी देंगे, आप हमारे अकाउंट में इतना पैसा डाल दो। तो आज हम बात करेंगे कि आप सरकार की तरफ से सब्सिडी अगर कोई है वो कौन सी स्कीम के अधीन है और आप कैसे उस स्कीम से बेनिफिट ले सकते हैं। तो सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम 2019 में लॉन्च की थी, जिस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पीएम कुसुम, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस स्कीम के अधीन जहाँ इस स्कीम की जो अंतर्गत इनकी एक्टिविटी थी वो तीन कंपोनेंट में डिवाइड है, जैसे ए बी और सी। जो ए का प्रावधान है इसमें क्या है कि अगर किसान भाई के पास कोई बंजर जमीन है जो उपजाऊ नहीं है, किसान हो सकता है, कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जहाँ किसानों का समूह हो सकता है, मगर इसमें ये रखा गया है कि जो आपकी लोकेशन होगी वो 5 किलोमीटर जो सब स्टेशन होगा उसके नज़दीक होना चाहिए। तो ये तो विषय है कि अगर आप ज़मीन को यूज़ करोगे अपनी बिजली के लिए तो ये कंपोनेंट ए में आता है। दूसरा कंपोनेंट आता है जिस विषय पे आज हम बात करेंगे, सोलर पंप। जो बी कंपोनेंट है इसमें वो चीज़ें आएंगी जो कई हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हमारा किसान भाई जो पंप चलाते हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, तो उसमें वो कई बार डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिजली से कनेक्टेड नहीं है। तो जो बी कंपोनेंट है इसमें वो वाली सब्सिडी या सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलेगा जिन किसान भाइयों के पास डीजल पंप है जो उसका वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार ने इससे को 7.5 हॉर्स पावर तक सब्सिडी का प्रावधान है। तो हम सब्सिडी की बात बाद में करेंगे, आप कैसे ले सकते हैं। और जो सी कंपोनेंट है ये वो सोलर पंप जो हमारे किसान भाई एग्रीकल्चर में यूटिलाइज करते हैं खेती में सिंचाई करने के लिए, ये वो कवर करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जिनको कनेक्शन मिला हुआ है, कि जो बिजली का कनेक्शन है उनको मिला हुआ है, और इनको सरकार सब्सिडी के तौर पे इनका इलेक्ट्रिसिटी से इसको सोलर ऊर्जा से लिंक करवा के इनको बिजली का जो बिल आएगा वो लेस कम हो जाएगा। और हमारा इसका डबल बेनिफिट है, एक तो ये है कि जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हरियाणा या अन्य स्टेट जो सरकार सब्सिडी के तौर पे इनको या फ्री बिजली सिंचाई के लिए प्रोवाइड करती है, तो उनके लिए ये एक वो पैसा खेती में ये यूटिलाइज कर सकते हैं किसी अन्य कार्य के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट की ऊपर जो खर्चा आ रहा है बिजली के ऊपर वो कम हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर आप उस पंप का इस्तेमाल नहीं करते हो तो जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो आप बेच सकते हो जो भी आपके नज़दीक डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जैसे कॉरपोरेशन हैं या कोई और कंपनी है, उनको आप बेच सकते हो फिक्स प्राइस के ऊपर। जो पहले रेट निर्णय होगा
तो इस पे जो अभी तक हमने बात की है कि जो प्रधानमंत्री कुसुम जो स्कीम है, जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम है, वो तीन कंपोनेंट में विभाजित की गई है। ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट। जो ए कंपोनेंट है उसमें मेन है कि 10,000 मेगावाट की बिजली तैयार करनी है, सरकार का प्रावधान है जो जमीन बंजर है वहाँ पे एस्टेब्लिश करके, और इसकी कैपेसिटी जो रहेगी वो 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट। ये तो हुआ कि सरकार है कि ऊर्जा का, एनर्जी का है वो एक कंपोनेंट में आएगा जो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए ही इस्तेमाल होगी। तो हमारा जो आज की टॉपिक का विषय मेन है बी और सी। बी कंपोनेंट में वो सब्सिडी आएंगी जिनको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिला हुआ है, मगर वो किसान भाई अपना जो खेती के लिए, सिंचाई के लिए जो पंप का इस्तेमाल करते हैं वो डीजल है या कोई और, मगर ये सब्सिडी है स्टार्टिंग 1 से लेके 7.5 हॉर्स पावर तक ही सब्सिडी मिलेगी। और जो सी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट में सब एग्रीकल्चर के वो पंप आएंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिला हुआ है, वो सी कंपोनेंट में आएंगे। अब चलो, अब इसमें देखते हैं कि सब्सिडी आपका इसमें क्या प्रावधान है। तो सब्सिडी, ये सब्सिडी 2021-22 के बजट में भी सरकार ने इसको अलाउ किया हुआ है, तो इसका आप इस साल भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब है कि आपकी सब्सिडी कैसे ले सकते हैं और सब्सिडी कितनी है। सबसे पहले कि जो सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा स्टेट अपनी तरफ से फाइनेंस करती है सब्सिडी के तौर पे, और इसके बाद किसान भाई बैंक लोन ले सकते हैं, और कुछ फार्मर का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। जो जी पॉलिसी है या नियम है जी, स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी होता है, मगर हम ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्र जो सेंट्र केंद्र सरकार है इसमें 30% की सब्सिडी देता है। जो स्टेट सरकार है वो 30% देता है, और फार्मर का कंट्रीब्यूशन 40% रहता है। इसमें अगर किसान भाई को 40% कंट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत आती है तो वो 40 का 30% जो होगा वो इसमें लोन लेके ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, और किसान को मार्जिनल 10% अपना कंट्रीब्यूट करना है। ठीक, अब ये है कि सरकार ने कई स्टेटों में जो इसका कंट्रीब्यूशन है या सब्सिडी जो सरकार देती है वो 50% है। तो अगर ऐसी परिवार है कुछ स्टेटों में तो वो सिर्फ 20% ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। अब है कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना है सब्सिडी के लिए। तो सब्सिडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है जो अपना शेयर होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना पैसा देके कुछ कंपनीज को एम्पैनल्ड करती है, जैसे कि अप्रूव करती है। तो उसके बाद जो एम्पैनल लिस्ट होती है वो स्टेट टू स्टेट ही, स्टेट गवर्नमेंट ही उसको अप्रूव करती है। आपने क्या करना है कि जो भी आपके नियर बाय जो भी कंपनी या कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट एजेंसी आपको बिजली सप्लाई करती है उनके ऑफिस में जाना है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम कॉरपोरेशन कह सकते हो या कंपनी कह सकते हो, उनके पास जाना है। मगर बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास नहीं जाना है। आजकल क्या है कि ये फ्रॉड के तौर पे चल रहा है,
क्या है कि किसान भाई को कॉल आ रही है कि भाई हाँ आप इतना अमाउंट पैसा जमा कराओ आपका सोलर पंप लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में दिया है, आज तक कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा स्टेट्स को नहीं दिया हुआ है, इसलिए अभी तक आपने प्राइवेट कंपनी के झांके में नहीं आना है और अपने पैसे को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। सब्सिडी जब निकलेगी तो जो भी आपकी डिस्कॉम जो आपको बिजली प्रोवाइड करती है, कॉरपोरेशन होंगी जहाँ बिजली का डिपार्टमेंट होगा, वो आपको मैसेज करेगा कि हाँ आप सोलर पंप की जो सब्सिडी है उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। वो अखबारों में भी आया, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अब है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। कुछ सरकार ने, एक तो आपका आधार कार्ड, दूसरा कि आपकी ज़मीन के पेपर, तीसरा कि कुछ स्टेट ने अपने अलग अलग नियम रखते हैं कि जैसे कि जिसका माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद कि आपका कनेक्शन जो है वाटर का वो कहीं डार्क जोन में ना आए। डार्क जोन कहने का मतलब है कि जहाँ पे वाटर टेबल है काफ़ी डाउन चला गया है, तो उन एरियो में नए कनेक्शन का प्रावधान नहीं होगा। वही ये कनेक्शन उन्हीं को मिलेंगे जहाँ तो वो कि ऐसे डार्क जोन में नहीं है कि जहाँ पे पानी का लेवल है वो काफ़ी डाउन चला गया है, नए कनेक्शन वहाँ पे बैंड होंगे। जो ऑलरेडी कनेक्शन चल रहे होंगे तो उसके फोटोग्राफ के प्रूफ होने चाहिए, और जो फीस है वो आपको डिपॉजिट करवानी होगी। तो ये सब जो फॉर्मेलिटी हैं या कुछ और आप ऐसी सर्टिफिकेट या कुछ और प्रावधान है तो वो आपको उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जानकारी के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके उनसे रابطہ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।